ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम 24 जनवरी के शुरुआत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल हमने समझा था कि हम जब अपने अंदर जो स्पेशलिटी जो परमात्मा ने हमारे अंदर भरी हुई है, जो गुण भरे हुए हैं, जो टैलेंट्स भरे हुए हैं, जब हम उनको सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ने शुरू होते हैं और हमें बहुत सारे फल मिलते हैं उसके, जैसे कि दुआएं मिलती हैं। आज परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि उन स्पेशलिटीज को यूज करने से हमें संतुष्टता भी मिल सकती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। वो सेटिस्फैक्शन, जो कंटेंटमेंट जिसको हम कहते हैं, संतुष्टता कहते हैं, वो तभी मिलती है जब औरों के लाइफ में हम भला करना शुरू करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि धन देने से भला होगा, किसी को कपड़े देने से भला होगा, लेकिन वो बात नहीं है। हम कैसे किसी का भला करें उसके बारे में आज हम टच करेंगे, लेकिन हमें मेन चीज जो है कि कंटेंटमेंट कैसे मिलती है, संतुष्टता कैसे मिलती है, उसके बारे में भी हम समझेंगे और उसको बरकरार कैसे रखा जाए, ये सीक्रेट भी। तो परमात्मा के अपने शब्दों में, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाले, विशेषता के बीज द्वारा, तो विशेषता क्या है, हमारी बीज है, उसको आप बीज समझ के चलें। तो विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव, इस विशेष युग में चल रहा है संगम युग, विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। अगर आपके पास में अगर कोई विशेषता है जो परमात्मा ने आपको दी है और आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं औरों का भला करने में, तो आपको संतुष्टता मिलनी ही है। आपको फीलिंग आएगी अंदर से कि हाँ, संतुष्ट हूं। और जिस दिन आपने उसको बांटना बंद करा तो आप असंतुष्ट होना शुरू हो जाएंगे उस विशेषता को। इसमें परमात्मा कह रहे हैं, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। खुद भी संतुष्ट और को भी संतुष्ट करना। अब संतुष्टता का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को धन संपत्ति दी, गिफ्ट दिए, बहुत खरीद करके उसको आपको संतुष्ट कर दिया, वो है एक क्षण के लिए संतुष्टता। परमात्मा बात कर रहे हैं सदाकाल के लिए संतुष्ट करना। तो वो कैसे हो सकता है, किसी को आपने विवेक, किसी को आपने ज्ञान, किसी को आपने समझ, किसी को आपने तरीका, किसी को आपने आइडिया, किसी को आपने मेथड, किसी सिचुएशन से निपटने का, उससे निकलने का अगर आपने समझा दिया, या आपने किसी को परमात्मा से जुड़ने का, उनके साथ में योग ध्यान करने का आपने विधि सिखा दी और उनके मन को हल्का कर दिया, तो इससे आपको बहुत संतुष्टता मिलती है हमेशा के लिए। जो कि आप किसी को कुछ खरीद के भी, लाखों करोड़ों अरबों का भी खरीद के दें, तब भी वो 100% हमेशा के नहीं रहेगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीच हमारे अंदर परमात्मा ने डाले हैं, विशेषताओं के बीच अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो। अब ये शक्तियों के जल से सींचो, इसको हम समझेंगे, तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। क्या हुआ, विस्तार हुआ, आपकी स्पेशलिटी का विस्तार हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया, आपने बहुत अच्छे से कहा, सुनाया, गीत गाया, आपने बहुत अच्छी से लोगों की सेवा करी, विस्तार हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रही, किसी ने आकर के आपको टॉन्ट कर दिया, किसी ने आपको कमेंट कर दिया और आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं रही, और उसी समय क्या हुआ, आपके अंदर सहन शक्ति कम हुई, आप चिड़चिड़े हो गए, अहंकार आ गया और आपका जो बड़ा बनाया हुआ वृक्ष था सेवा का, विस्तार का, वो टूटना शुरू हो गया, वो उखड़ना शुरू हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे अंदर सहन करने की ताकत, जो परमात्मा ने कहा ना यहाँ पर कि वरदान और सर्व शक्तियों के जल से सींचो इसको, तो शक्तियां कौन कौन सी चाहिए, समाने की शक्ति, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने इतनी सेवा करी लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई, मेरा आइडिया नहीं लिया गया, मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, मेरे कारण ये सेवा केंद्र खुला है, मैंने इतने धन डाला, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी ही बात नहीं मानी, बस। और वहीं पर क्या हुआ, उमंग उत्साह खत्म, खुशियां खत्म, और हम उल्टे कदम चलने शुरू हो गए। और उल्टे कदम किसके होते हैं, भूत के, मतलब कि हमारे मन के अंदर अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आनी शुरू हो गई। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वो कब जड़ से उखड़ जाए, वो पेड़ विस्तार में चला गया तो पता नहीं चलता, इसलिए शक्ति को इस्तेमाल करो, बिल्कुल नम्रतापूर्वक हर कार्य करते चलो। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से करवाया जा रहा है, करवा रहा कौन है, परमपिता परमात्मा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी ना कभी हमारे अंदर, और कभी ना कभी तो नहीं, हमेशा ही हमारे अंदर अहंकार रूपी रावण घुसने के लिए तैयार होता है। तो इसी तरीके से क्या है, शक्ति को इस्तेमाल करो। कहीं पर एडजस्ट करना पड़ता है कुछ लोगों के साथ में सेवा करते हुए समय, कभी किसी के साथ में हमारी
बातचीत नहीं मिलती है तो फिर वो हमसे अगर नाराज होते हैं तो उनको संतुष्ट करना, उनकी बात को मानना, खुद झुकना, नम्रता को इस्तेमाल करना, ये बहुत सारी प्रिपरेशन होती है जो कि सिर्फ सेवा करते समय जो प्रिपरेशन, उससे भी और गहरी प्रिपरेशन होती है जिसको कहते हैं हमारे मन की मानसिकता की प्रिपरेशन, भावनाओं की प्रिपरेशन। वो अगर नहीं है और आपके पास में सिर्फ टैलेंट है तो सिर्फ टैलेंट यूज किया और अगर आपको टैलेंट का गरूर आ गया तो आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये परमात्मा हमें कहना चाह रहे हैं, शक्तियों को इस्तेमाल करो उस बीच को साफ करने के लिए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधिपूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। जो हमारा जो थॉट था कि ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करना है, वो करना है, उसको आप क्या करो, बीच बीच में क्या करो, उसके अंदर से जो बेकार की बातें आ रही हैं, व्यर्थ भाव आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, उनको निकालते चलो और उसको स्वच्छ करते जाओ उस बीज को, ताकि वो बीज उगता रहे, वो वृक्ष कभी कमजोर ना हो जड़ों से। ये कैसे करते हैं, इसको आप सीखेंगे ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के, और ये आपको काम आएगा अपने फैमिली, अपने जॉब, अपने बिजनेस में भी ये विद्या। ओम शांति।